कुमार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं मौजूद हूं अभी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर। गरीब अधिकार दिवस के रूप में आज जो थाली और ताली बजाकर विरोध जताया गया, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप और तेजस्वी और कई नेतागण भी मौजूद थे, जो ताली और थाली बजा के डिजिटल रैली के खिलाफ जो आज महागठबंधन के नेता और आरजेडी के कई दिग्गज नेता जो थे मौजूद थे और मोर्चा खोल दिया है सीधे तौर पे कि चुनावी आगाज का जो है वो एक तरह से कहें कि चुनावी आगाज का शुरुआत हो चुकी है। तेजस्वी यादव जो है आज से चुनावी आगाज की शुरुआत हो सकती है, डिजिटल रैली के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया है तेजस्वी यादव ने, आप सुनिए क्या कह रहे हैं उनका बाइक। गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है पूरी तरीके से। जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पार्टी जो मौतों पर जश्न मनाए, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित स्वस्थ गांव पहुंचाने की, उनके रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे, इसलिए हम लोगों ने आज थाली पीटने का काम किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि चुनाव कौन इनिशिएट करेगा, इलेक्शन कमीशन। पहली बार जो है देश क्या दुनिया ऐसी सिचुएशन से जो जूझ रहा है, इस पर तो सब पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके राय लेनी चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन राय तो ले कि क्या ग्राउंड हालात है, कैसे चुनाव होगा। तो जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो हम अपनी जो बात है इलेक्शन कमीशन में रखेंगे। लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग अभी भी पैदल चल के आ रहे हैं, हम उनको भगवान भरोसे छोड़ दें? ये अब तो क्वारंटाइन भी ख़त्म कर दिया गया। क्यों ख़त्म कर दिया गया? जब ग्राफ बढ़ रहा है, जब सबसे ज़्यादा संख्या में लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, सबसे कम टेस्ट कराने के बावजूद भी, तो क्यों ख़त्म करा दिया? यानी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, एक तरह से कह रहे हैं कि आप भगवान भरोसे रहिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। प्रेस रिलीज में हमको चिंता आपकी नहीं, हमको चिंता है अपने सत्ता की। मुख्यमंत्री के प्रेस, वो तो जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने उजागर कर दिया। सुशील मोदी जी आ जाए या हमको समय दे दें, हम उनको वीडियो दिखा दें। अगर अभी भी अंधे बने हुए हैं तो अभी भी अगर अंधे बने हुए हैं सुशील मोदी जी, तो हम जो है वीडियो दिखा सकते हैं, क्या व्यवस्था है। और सुशील मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए, बिहार में एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है NMCH। अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले जो है लगातार जो बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, अभी मॉनसून नहीं आया, अभी जो है केवल साउथ में मॉनसून ने दस्तक दी है। साल के आखिर में बिहार में पटना के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की हालत जो है पानी से भर गया। आप समझ सकते हैं, जो एकमात्र कोविड है, आइसोलेशन वार्ड की तो छोड़िए। काश सुशील मोदी जी वही जाकर के देखते कि थाली में किस प्रकार से बिच्छू आए हैं खाने में बिच्छू मिले, तो इस पे सुशील मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में किया कि बीजेपी के चाहे जो मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो बीजेपी के बिहार के, श्रम मंत्री हो, आपदा मंत्री हो, कहीं भी कोई बैठकों में नजर नहीं।